अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनना है ज़बरदस्त सा ऑयल जो 100% वर्किंग करता है और जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट के साथ बना है और जो ज़बरदस्त है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं इसको आजमाया है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑयल ले लिए, जिसमें से खोपरे का ऑयल है, कैस्टर ऑयल है और सरसों का तेल भी लिया है। देखिए, कैस्टर ऑयल है, सरसों का तेल, इन तीनों तेलों को हम मिक्स कर लेंगे, एक पैन में शिफ्ट कर लेते हैं। धीमी आंच पे आपने इनको बनाना है और आप चाहें तो इसकी जगह अपनी पसंद की भी ऑयल डाल सकती हैं, सरसों के साथ जैतून का भी ऐड कर सकती हैं या और जो भी डाल आप चाहें। कैस्टर ऑयल भी डाल दिया और हमने कोकोनट ऑयल भी डाल दिया, और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून इसमें कलौंजी शामिल करेंगे। आपको पता है ये दोनों कितनी फ़ायदेमंद है बालों के लिए। और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें हम एलोवेरा, इसको आप चाहें तो ब्लेंडिंग जार में बिल्कुल पीस के भी डाल सकती हैं। कड़ी पत्ता भी शामिल कर लेते हैं और प्याज के छिलके भी शामिल कर लेते हैं। बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन इसमें अच्छा शामिल किए हैं। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रख देना है और धीमी आंच पे बनाना है। कुछ देर बाद ये इस तरह का हो जाएगा, फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आपने इस तरह छान लेना है इसको, और इनको फेंकना नहीं है। इसको दोबारा से आपने पीस के थोड़े से ओवन में बना के रख लीजिएगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल नरम सी हो गई हैं। इसको मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया था, मैंने दोबारा से ऑयल में इसको मैंने पीस के पका लिया था। इस ऑयल को हमने छान के रख लिया। इस ज़बरदस्त से ऑयल में मज़ीद एक और ऑयल शामिल करते हैं, जो है रोज़मेरी ऑयल। इसको भी शामिल कर लेते हैं और हमारा ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी हो चुका है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। इसको आपने नहाने से पहले अप्लाई कर लेना है या रात को सोते हुए कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। शैम्पू करने के बाद आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, आपको लगेगा आपने कंडीशनर यूज़ किया है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर।